हेलो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। अरे मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ हाँ बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? पर मुझे डर बहुत लगता है। अरे तुम डर क्यों रही हो? कहीं तुमने मेरे पैसे तो नहीं निकाल लिए मेरे पर्स से? अरे नहीं नहीं मैंने पैसे कुछ नहीं निकाले आपके पर्स से। अरे जब पैसे नहीं निकाले तो फिर बताओ डर क्यों रही हो? आपको याद है कि पिछले महीने हम मनाली गए थे? हाँ मनाली तो गए थे, मजा बहुत आया था उधर। तो मजे की बात है, दोबारा जाना तुम्हें? अरे नहीं नहीं दोबारा नहीं जाना चाहती मैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे डर क्यों लग रहा है? आपको याद है कि हमारा छोटू जब जन्मा था तो हम कहाँ गए थे? जब हमारे छोटू का जन्म हुआ तो उससे पहले हम शिमला गए थे। शिमला में भी मजा बहुत आया था। हाँ तो वही तो कहना चाहती हूँ कि शिमला गए थे तब छोटू हुआ था। जो भी बताना मुझे सीधे सीधे से बता दो कि क्या कहना चाहती हो तुम। मैं सीधा सीधा आपको बताती हूँ, हमारे छोटू का भाई है, बहन आने वाला है। ये कैसे हुआ? कितनी आसानी से कह दिया आपने, ये कैसे हुआ? मैंने अकेले इतने थोड़ी किया। अरे अब सबको क्या बताएंगे। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? आज संडे कहीं घूमने के लिए चले दोनों? अब कोई बेबी अभी नहीं, जब तक अपने पापा से शादी की बात नहीं करो तब तक मेरे से बात मत करना। पर ऐसा क्यों बेबी? बस मैं फोन रख ली, मैं फोन भी नहीं उठाऊंगी। नहीं बेबी ऐसा मत करो। नहीं मैं फोन नहीं उठा रही, रख दो फोन। नहीं बेबी ऐसा मत करो प्लीज। शादी की बात कैसे करूँ? पापा तो को अगर शादी की बात का बोले तो वो तो मार डालेंगे मेरे को। पर हिम्मत तो करनी पड़ेगी, वरना ये बात नहीं करेगी मेरे से। पापा मैं आ जाऊँ अंदर? अरे आ गया तू, मुझे तुझसे एक बात भी करनी थी। आपको मुझसे क्या बात करनी थी? अरे नहीं नहीं पहले तू बता। अरे नहीं पापा पहले आप ही बताओ। अरे नहीं पहले तू बता। पापा वो ना एक लड़की है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ और मैंने उससे शादी करना चाहता हूँ। अब ये शादी के लिए लड़की का कह रहा है, इसका क्या करूं? चल अगर लड़की अच्छी लगी तो मैं करवा दूंगा शादी, चिंता मत कर बेटा। अरे मैं तो ऐसे ही डर रहा था, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं मेरे को इस बारी। पर ऐसा हुआ कैसे? अच्छा पापा अपनी बात बताओ। बेटा बचपन से तू कहता था ना कि तेरे पास कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है खेलने के लिए, तो मैं सोच रहा था मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया। बेटा मैं तुझे एक बात बताना चाहता था कि तेरा छोटा भाई या छोटी बहन इस घर में आने वाले हैं। मजाक कर रहे हो क्या? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। ये क्या बोल रहे हो? तू चुप हो जा, अब जो होना था हो गया, शांति रख ले तू। हे भगवान, इन्होंने तो मेरे को कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। मैंने कोई बैंक थोड़ी लूटा जो तू मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। इतना कुछ कर दिया और इनको तो शर्म भी नहीं आ रही बिल्कुल ही। भगवान का वास्ता तू शांति कर ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मुझे जो शांति का बोल रहे हो आप शांति कर लेते ना। जब कुछ करने का टाइम था तब तो सैलरी के बारे में सोचते रहा कि सैलरी नहीं है सैलरी नहीं है। अब प्रमोशन हुआ नहीं कि आपने तो अपना प्रमोशन कर डाला, ऐसे थोड़ी होता है। पर मैं सबको अब जवाब क्या दूंगा? अरे पर जवाब तू क्यों देगा, बाप तो मैं बनने वाला हूँ। पर अब मैं सबको जवाब क्या दूंगा, यहाँ मेरी शादी की तैयारी चल रही है और बाप मेरा सरवाले की तैयारी कर रहा है। अरे मैंने कहा था ना आपको कि मुझे डर लग रहा है, अब दीजिए जवाब। मम्मी मुझे नहीं पता, आप कुछ कर लो नहीं तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता आप लोगों के साथ। मैं सबको जवाब नहीं दे सकता कि मैं मेरे घर में क्या हो गया ऐसा। बेटा तू शांत हो जा, कुछ भी करके हम कुछ सोचते हैं करते हैं। अरे नहीं बेटा तू घर छोड़ के मत जाइयो, प्लीज घर छोड़ के मत जाइयो। मैं चाहता तो उस समय घर भी छोड़ के जा सकता था, फिर दिमाग में यही आया कि भगवान सही समय पे ही सही चीज को देते हैं। पर ये समझ नहीं आया कि ये कौन सा समय सही था मेरी बहन के आने का। पर भगवान की रजा में रहना ही इंसान के असूल है और इंसान के औकात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी तड़कते फड़कते टॉपिक के साथ।